इस समय आपको सीधे लिए चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती कुछ कह रहे हैं। खुशी होगी कि आजादी का अमृत महोत्सव उसकी व्यापकता कितनी थी और उसमें गांधी के विचारों का प्रतिबिंब कैसा था। देशवासी जानते हैं आजादी के अमृत काल के इस कार्यक्रम के दरमियान 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पंच प्राण की शपथ ली। देश में 2 लाख से ज्यादा अमृत वाटिकाओं का निर्माण हुआ। 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ पौधे लगा करके उनका पूरी तरह विकास की चिंता की गई। इतना ही नहीं, जल संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कार्य हुआ। 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए गए और हम याद है हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की अभिव्यक्ति का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम बन गया था। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत करोड़ों देशवासियों ने देश के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। अमृत महोत्सव के दौरान 2 लाख से ज्यादा शिला पट्टिकाएं भी स्थापित की गई। इसलिए साबरमती आश्रम आजादी की लड़ाई के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प का भी तीर्थ बना है। साथियों, जो देश अपनी विरासत नहीं संजो पाता वो देश अपना भविष्य भी खो देता है। बापू का ये साबरमती आश्रम देश की ही नहीं ये मानव जात की ऐतिहासिक धरोहर है। लेकिन आजादी के बाद इस धरोहर के साथ भी न्याय नहीं हो पाया। बापू का यह आश्रम कभी 120 एकड़ में फैला हुआ था। समय के साथ अनेक कारणों से एक घटते 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 केवल 5 एकड़ में सिमट गया था। एक जमाने में यहां 63 छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन मकान होते थे और उनमें से भी अब सिर्फ 36 मकान ही बचे हैं। 6336 हो गया और इन 36 मकानों में से भी केवल 3 मकानों में ही पर्यटक जा सकते हैं। जिस आश्रम ने इतिहास का सृजन किया हो, जिस आश्रम की देश की आजादी में इतनी बड़ी भूमिका रही हो, जिसे देखने के लिए जानने के लिए अनुभव करने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हो, उस साबरमती आश्रम को सहज कर रखना हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का दायित्व है। और साथियों, आज साबरमती आश्रम का जो विस्तार संभव हो रहा है उसमें यहां रहने वाले परिवारों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इनके सहयोग के कारण ही आश्रम की 55 एकड़ जमीन वापस मिल पाई है। जिन जिन लोगों ने इसमें सकारात्मक भूमिका निभाई है मैं उन परिवारों की सराहना करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं।
अब हमारा प्रयास है कि आश्रम की सभी पुरानी इमारतों को उनकी मूल स्थिति में संरक्षित किया जाए। जिन मकानों को नए सिरे से बनाने की जरूरत होगी, मेरी तो कोशिश रहती है जरूरत पड़े ही नहीं, जो कुछ भी होगा इसी में करना है मुझे। देश को लगना चाहिए, ये पारंपरिक निर्माण की शैली को बनाए रखना है। आने वाले समय में ये पुनर्निर्माण देश और विदेश के लोगों में एक नया आकर्षण पैदा करेगा। Zee News.